हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पे नियर बाय IRCTC एजेंट आईडी में, जो कि ये प्रॉब्लम आता है जब आप किसी मोबाइल को उससे सबमिट करते हैं, जैसे उस मोबाइल से लिंक करते हैं IRCTC से, तो यह प्रॉब्लम आता है। तो यह प्रॉब्लम कैसे दूर होगा और यह कितने दिन में यह हटेगा, तो यहाँ पे देखिए लिखा रहा है रिक्वेस्ट सबमिटेड, द एजेंट ऑलरेडी सबमिटेड द न्यू डिवाइस आईडी या IMEI, अपडेट रिक्वेस्ट एंड वेटिंग फॉर अप्रूवल। तो यह कितने दिन में हटेगा, बहुत सारे आदमी को यह प्रॉब्लम होता है, जैसे कि हमने भी यह किए थे सबमिटेड, तो यह कितने दिन में होगा कोई अंदाज़ा नहीं, 2 से 3 दिन 4 दिन हो जाता है फिर भी नहीं होता है। तो हम आज आपको सटीक जानकारी देंगे इसके बारे में, जो यह कितने दिन में हट जाएंगे और जो है यह फिर दोबारा नहीं आएगा, तो इसके लिए भी मैं इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए हम अपने पे नियर बाय अकाउंट में जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले हम अपने पे नियर बाय अकाउंट में आ गए हैं। देखिए पे नियर बाय अकाउंट में जैसे हम आए, तो यहाँ पे हम सीधा आएंगे रेल बुकिंग में। तो रेल बुकिंग यहाँ पे देख सकते हैं, रेल बुकिंग है। तो रेल बुकिंग पे जैसे हम क्लिक करेंगे, तो देखिए मेरे में आज सुबह यह बता रहा था कि यहाँ पे वही जो प्रॉब्लम था वही, तो यह अभी हट गया है, मतलब यह जो है मेरा रजिस्ट्रेशन यह फ़ोन इसमें हो गया है पे नियर बाय से, तो इसीलिए यह नहीं बता रहा है। तो बस आपको जो है यह जैसे यह हम जो है 19 तारीख को शाम 7 बजे जो है हम इसको इसमें सबमिट किए थे, और आज जो है 21 तारीख है, और 21 तारीख को यह मेरे फ़ोन में यह हट गया। तो आप सोच सकते हैं कि यह कितने दिन में, यह मिनिमम 48 घंटा लेता है समय, और 48 घंटा के बाद ही जो है यह मतलब सबमिट करता है और आईडी अप्रूव करता है, उसमें EMI नंबर जो फ़ोन का होता है उसमें मतलब सबमिट कर देता है, और जो है आप उस मोबाइल से मतलब टिकट काट सकते हैं और अन्य किसी मोबाइल से टिकट नहीं काट सकते हैं। तो यही छोटा सा जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।